हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में आगे पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द की पहले हम परिभाषा जानते हैं। पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? पर्याय का अर्थ है समान, मतलब कि एक समान, तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे पढ़ते हैं, पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण, अतिथि, अतिथि का होगा मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक। दूसरा, अमृत का होगा सुधा, सुरभोग, पीयूष, अमेय। और अंग का होगा अंश, अव्यय, हिंसा, घटक। आगे, एकता का होगा मेल, मेलजोल, संगठन, संघ। कमल का होगा अनिल, उत्पन्न, पंकज, नीरज, सरोज। कंठ का होगा ग्रीवा, गर्दन, गला, स्रोधरा। और क्रोध का होगा रोष, कोप, आक्रोश, प्रतिघात, गुस्सा। धन्यवाद।